नारियल पानी देना। अरे तिवारी जी, आज आप दौड़ने नहीं आए? हम क्या दौड़ेंगे भाभी जी, हमारी कमर तो वैसे ही टूटी पड़ी है। क्या हो गया आपको, आपकी कमर कैसे टूट गई? भाभी जी, जब गृहस्थी की गाड़ी का एक पहिया इधर और दूसरा पहिया कहीं और हो तो गृहस्थी की गाड़ी की कमर तो टूट ही जाएगी ना। अरे जी, आप क्या घुमा घुमा कर बातों को कह रहे हैं, साफ साफ कहिए ना क्या हुआ। 100 बातों की एक बात, भाभी जी हमारी अंगूरियों में वापस दे दीजिए। तिवारी जी, I'm sorry, but आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने अंगूरी जी को 7 सालों में कैद करके रखा हुआ है। इनफैक्ट मैं तो उनके लाइफ में ना थोड़ा चेंज चाहती हूँ। आप क्या उनको पूरी जिंदगी उनसे रोटियां सिखवाते रहेंगे? हाँ, आप उनकी पूरी जिंदगी किचन में खराब कर देंगे क्या? इसके अलावा उनकी कोई लाइफ नहीं है क्या? भाभी जी, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो औरत की दुनिया तो उसका घर संसार होता है ना भाभी जी, और अंगूरी तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। एक मिनट, अगर अंगूरी जी पढ़ी लिखी नहीं है तो आप उनसे उनकी आजादी छीन लेंगे? भाभी जी, हमने कहाँ कहाँ उसकी आजादी छीनी है भाभी जी, वो तो पूर्णतः स्वतंत्र है, आजाद है। कौन कहता है कि हम आजाद हैं? कौन कहता है कि हम आजाद हैं? हम आजाद नहीं, हम आजाद नहीं है। हम आज भी गुलाम हैं, गुलाम। हम आज भी गुलाम हैं अपनी बुरी आदतों के। हम गुलाम हैं अपने कपटों के। हम गुलाम हैं अपने क्रोध के। हम गुलाम हैं अपने लालच के। हम गुलाम हैं अपने पापों के। हम गुलाम हैं अपनी बीमारियों के। हम गुलाम हैं अपनी नफरतों के। और आप कहते हैं कि हम आजाद हैं? नहीं, हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। मेरा देश हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान तो तब सही मायनों में आजाद होगा जब हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कुराहट खिली रहेगी। हर हिंदुस्तानी खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, तब होगा हमारा देश सही मायनों में आजाद। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है। अरे वाह, देश के साथ साथ गुंडे भी बदल रहे हैं, वो भी अपने धंधे में GST CST BST भर रहे हैं। तो वाह भाई। हाँ भैया, किससे मिलना है आपको? जगन पहलवान से मिलना है। मैं ही हूँ जगन पहलवान, बताओ क्या काम है? भैया तुमसे ना हो पाएगा। क्या कहा आपने? नहीं मतलब नहीं, मतलब आप ये बताइए, आप हमें ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों देख रहे हैं? हमारे ऊपर कोई स्पेशल चीज लटकी हुई है? नहीं, बात वो नहीं है। क्या है कि एक बात बताइए, आप किडनैप कर पाएंगे? ऑफ कोर्स, हाँ हम किडनैप कर पाएंगे। यस 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 यस। अच्छा, यस yes. पता नहीं क्यों शारीरिक हालत देख के लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। अबे शुक्र मना कि मैं फुल मर्डर नहीं करता, सिर्फ हाफ मर्डर करता हूँ, वरना मैं तुझे ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर अच्छे से खोल देता, समझा? चलो भाई साहब, अब उठते हैं, उठिए। कम ऑन मैन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट हैपेंस। अब यकीन हो गया आपको? हाँ हाँ हाँ,
हाँ यकीन हो गया। कभी भी पटाखे के साइज को देखकर उसके धमाके पे डाउट मत करना। कभी कभी छोटा पटाखा भी बहुत बड़ा धमाका करता है। समझ गए ना। तो अब बताओ किसका किडनैप करवाना है? हमारी बीवी का। मतलब भाई साहब आप कितने गिरे हुए आदमी हैं, मतलब आप अपनी बीवी का किडनैप करवाना चाहते हैं? हाँ यार देखिए बहुत अंदर की बात है, आप शायद समझ नहीं पाएंगे। हम बताते हैं आपको। हाँ प्लीज एक्सप्लेन इट। देखिए ओह माय गॉड शी इज ब्यूटीफुल। कुछ आप बोल रहे थे, बोलिए। नहीं वो हमारी बीवी है। क्या है कि वो फोन की बोतल कैसे भूल गया? अंगूरी जी वैसे तो सब ठीक है अंगूरी जी, वो विभू के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया। दिया काए काए आप लोग झगड़ते रहते, ये कौन टाइम है का झगड़ने का? अब ऐसे किस बात पे झगड़ा हुआ? विभू को तो आप जानती है ना, हर बात में बहस करता है वो ना, सामने वाले को बेवकूफ समझता है पूरा। ऑल मैन आर शेम। हमरा मत बोले, सब मरद एक जैसे ही तो होते है ना। वो देखे ना लड्डू के भैया भी हमसे बात बात पर झगड़ते हैं। नहीं लड्डू के भैया की तो बात ही मत करिए, उन्होंने आपको घर से निकाला है। मतलब विभू की इतनी भी हिम्मत नहीं है। मैं ना अगर आपकी जगह होती, सच्ची कहूँ, मैं ना लड्डू के भैया को एक थप्पड़ भी मारती और खुद कहती कि गेट लॉस्ट। नहीं नहीं अनीता जी, हमारा ऐसा नटूरे ना ही है ना। अंगूरी जी वो नेचर होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी सुनिए ना, मैं आज आपके पास यही सोचा हूँ। क्या वो मैं पूछने का क्या बात है, आप ही का तो घर है, आ जाइए, बहुत जगह है। आप सोइए, हम अभी आते हैं। ओके। गया भाई, बहुत देर लगा दी, कुछ गुड़ गोबर ना कर दे कम वक्त। आजा आजा भाई, बीवी को ही किडनैप करके लाया है ना? तुमने अपनी बीवी को ही किडनैप करने के लिए कहा था ना? हाँ हाँ। अपनी पड़ोसी की बीवी को तो किडनैप करने के लिए कहा था? ला पकड़ो।
हल्की सी लग रही है पगली। लगता है भाभी जी डाइट कर रही हैं। शाबाश पगली। सब ठीक है ना? क्लोरोफार्म ज्यादा तो नहीं सुंघा दी थी? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा ही, अभी होश में आ जाएंगी। चलो मेरे पैसे दो, किडनैपिंग फीस। हाँ एक मिनट, तनिक रुक, पहले तनिक चेक कर ले देख। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसे चेक करने दे। पहले पैसे दे दो, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगा, शोर मचा दूंगा। फर्स्ट मनी ये ले। एकदम करारी, बैंक से लेके आए। सुन, चुपके से पीछे वाली खिड़की से निकल ले। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने अपनी बीवी का किडनैप करवाया है, ठीक है? यू डोंट वरी, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है। हेलो भाभी। मैंने सब सुन लिया है, आपकी और इस गुंडे के बीच जो भी बातचीत हुई है। अरे आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने अंगूरी जी का, मतलब अपनी खुद की धर्मपत्नी का किडनैप करवाने की कोशिश की, और उसके बदले ये आपका डम गुंडा उनके बदले मुझे उठा कर ले आया। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, दरअसल हम अपनी बीवी के बिना रह नहीं पा रहे थे। तो आप उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, उसके सर पर तमंचा रखेंगे, उनका किडनैप करवाएंगे। तिवारी जी आप ना बहुत ही घटिया आदमी हैं, और आई शुड रेदर से आप एक बहुत ही घटिया हस्बैंड हैं। यस मैडम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब आप ये देखिए कि जब मैं किडनैप करने के लिए इस आदमी ने बुलाया है ना, और बोला कि मैं अपनी बीवी का किडनैप, खुद का किडनैप, मतलब खुद की बीवी का, मैं खुद चौंक गया था। शट अप, तुम्हारे जैसे गुंडे के मुंह से ना ऐसी अच्छी बातें शोभा नहीं देती हैं। अरे जी आप आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, वरना मैं आपको केस कर दूंगी, समझे आप? क्या काला कांडी करके आ रहे हो भाई? तुम तो इमोशनल हो गए भाई, क्या हुआ? अरे भैया, एक आदमी आया था, उसने कहा कि मेरी बीवी का किडनैप कर लो कुछ दिनों के लिए। उसको शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ। तो फिर तुमने क्या किया? तो हमने किडनैप कर लिया। फिर क्या भैया, जब से आई है कहती है आओ जानू किडनैप खेलते हैं। तो तुमने किडनैप खेला? तुम क्यों आए यहाँ पे? किडनैप करवाना है। किसका किडनैप करवाना है? बीवी का? अरे नहीं, उसी का किडनैप करवाना है जिसका किडनैप तुम कर चुके हो। अरे यार भैया, तो उसको रख लेना था ना आपको। देखिए अभी ना आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, फीस वीस की चिंता मत करो। देखिए ओके, इनका किडनैप करवाना है। ये तो वही है ना जिन्होंने थप्पड़ मारा था हमको पिछली बार। But she is hot. Hello.
भभूति जी ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, साफ बात करेंगे। भाभी जी हमारे कब्जे में है, आप भाभी जी को यहां से ले जाइए और अंगूरी को हमारे हवाले कर दीजिए। इस हाथ अपनी पत्नी ले, उस हाथ हमारी पत्नी दे। धन्यवाद भाभी जी। हम बेहद क्षमा प्रार्थी है भाभी जी, आपने जैसा हमारे साथ किया वैसा ही हमें करने के लिए प्रेरित किया। भाभी जी हम क्या करें, हमें करना पड़ा क्योंकि हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। आपके पति के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमें ये रास्ता चुनना पड़ा, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है भाभी जी। अनु कहाँ है? अनु कहाँ है? वेज अनु कहाँ है? यहाँ है अनु। पीछे रहिए, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले हमारी बीवी को हमारे हवाले कीजिए, उसके बाद अनु बे भाभी जी को ले जाइए। कमान आओ पगली। किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? नहीं भाभी जी। अनु अनीता जी। जी भाभी जी आप यहाँ तो फिर कौन यहाँ? देखिए अंगूरी जी, चूसा नहीं रूसा। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे ये रूसा जी कैसे किडनैप हुई? मैं अनीता जी से गार्डन में मिली थी, लगता है सेम कपड़ों से किडनैपर धोखा खा गए। ये झगरगट्टी में लैला का टीला किधर है? लैला का टीला ये देख सुन। अरे अनीता जी, how are you? Very well, how are you? Same pins? Oh yes. Let's run. Right पे जाएगा, नीला का टीला आएगा। हाँ, उसके बाद तू लेफ्ट लेना वहाँ से। I'll just join you. Yeah, give me just one second. Yeah, yeah, come, coming. तेरे को मिलेगा अंजू का टीला, उसके बगल में ही है लैला का टीला। तेरे को मिलेगा अंजू का टीला, उसके बगल में ही है लैला का टीला। ठीक है? Thank you. और तिवारी जी आप ये क्या ई करते रहते हैं? एक मिनट तिवारी जी, आप ये ई मत किया कीजिए, इट इज वेरी इरिटेटिंग। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊंगी पुलिस स्टेशन आपकी कंप्लेंट करने, आपने मेरा किडनैप किया है। तिवारी जी माफी चाहेंगे रूसा जी। छी तिवारी जी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भाभी जी हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं, हमें इनसे भी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक गिर जाएंगे भाभी जी। इन्होंने जो है हमारा तलाक कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कीजिएगा, पर सच यही है कि आप सब लोग लालच के पीछे भाग रहे हैं। भाभी माँ, आप दोनों के चरणों में क्षमा मांगते हुए मैं यही कहता हूँ कि ये जो दोनों भैया लोग हैं ना, ये बहुत ही गिरे हुए नीच लालची लोग हैं। आप लोगों को इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप दोनों पूजनीय हैं भाभी माओ, पूजनीय हैं। आप ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी, आई एम सॉरी, हम भटक गए थे, स्पेशली मैं और विभू, और अंगूरी जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। हम भी गुनाहगार हैं, हम भी लालच में आ गए थे। I'm sorry. I'm genuinely sorry. Okay. तो चलिए गणतंत्र दिवस पर हम एक प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं कि इस देश में क्रांति की ऐसी ज्वाला जलाएंगे कि ये देश लालच से पूरी तरह मुक्त हो जाए। क्योंकि लालच ही तो है वो बुरी बला जो लोगों के दिलों से प्यार खत्म कर देती है। आइए लीजिए शपथ, आज के बाद हम कभी भी लालच नहीं करेंगे, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। देश की भलाई और तरक्की के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, देश की भलाई और तरक्की के लिए जान न्यौछावर कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद।